धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। ये जो भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, इसमें धृतराष्ट्र और संजय के बीच में ये वार्ता है। पहले श्लोक में ये वार्ता हुई है और धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, ये जो कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर मेरे और पांडव के पुत्र ये लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने क्या किया? एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर वो पहले से ही युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने उधर जाकर युद्ध किया होगा, बट धृतराष्ट्र ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडव पुत्र उधर इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया? इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा तात्पर्य है। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसका पीछे कि व्हाट धृतराष्ट्र वाज थिंकिंग, कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहा था उस समय। तो इसका उत्तर जो है वो इसी श्लोक के पहले वर्ड में ही है, धर्म क्षेत्रे, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में ऐसा चल रहा था कि जो कुरुक्षेत्र है इट इज़ अ सेलिब्रेटेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कि ये धर्म का क्षेत्र है, जस्ट लाइक टेम्पल्स होते हैं, भगवान का धाम होता है, वैसे ही ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पुत्रों ने जो कि स्वभाव से क्या थे, अधर्म के पक्ष में थे, इस धर्म के क्षेत्र के प्रभाव में आकर, उसके प्रभाव में आकर जो है वो इन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। ऐसा होता था पहले के समय में कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा हो रहा है उन दोनों लोगों को, उन दोनों लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए उन दोनों को भगवान के मंदिर के समक्ष ले जाया जाता था और भगवान के सामने उनसे गवाही ली जाती थी, क्योंकि लोग जो है वो भगवान के इम्पोर्टेंस को या धार्मिक प्लेस के इम्पोर्टेंस को जानते थे, वो भगवान के सामने झूठ नहीं बोल पाते थे या भगवान के सामने कोई गलत कार्य नहीं कर पाते थे। धृतराष्ट्र भी यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे पुत्र स्वाभाविक रूप से धर्म के विपक्ष में हैं, अधर्म के पक्ष में हैं, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म का क्षेत्र है। आज के समय में हम देखते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन और इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं और उससे लोग परेशान हैं, लेकिन वो जो है वो कभी भी इस बात को नहीं सोचते कि मुझे जो है वो इसको नहीं करना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र वो इतना अधर्मी होने के बाद भी उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के क्षेत्र के प्रभाव के कारण मेरे पुत्र जो है वो युद्ध करने से पीछे हट गए। तो अगर समाज में ईश्वर चेतना का माहौल हो, गॉड कॉन्शसनेस का माहौल हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे विचार लोगों के अंदर होते हैं कि मैं गलत कार्य ना करूं, और ये तभी संभव है जब घर घर में भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान की जाएगी, भगवान का द्वारा जो दिया गया उपदेश है भगवद गीता वो लोगों को प्रदान किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर जो है गलत करने का या पाप पूर्ण करने का जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगा। हम भगवद गीता के पहले श्लोक से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।